Hi friends, welcome to free tips and tricks for mobile, PC, laptop, technology and jobs. First of all, thanks to all my viewers and subscribers because you always comment, you always share videos, you always subscribe channel. That's why channel increasing day by days. So today is my subject regarding Australia spouse visa. If you want to bring your partner or spouse for to Australia, so this video will be helpful for you. In this video, I explain about spouse visa for Australia. If you want to bring your spouse to Australia, so what document require and what's the process, so you will know after seeing this video. So if you want, so please see this video carefully. In this video, you will find all solution about your spouse to immigrate to Australia. सो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ऑस्ट्रेलिया की स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड है. अगर आप जो है ऑस्ट्रेलिया में हैं या जो है आप किसी भी पर्पज़ से वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर जैसे क्या क्या जो वहाँ की कंडीशन होती है, कैसे जो अपने आप स्पाउस को वहाँ पर जो है बुला सकते हैं, वो क्या क्या जो है वहाँ की कंडीशन होती है, वो सब इस वीडियो में आप जो है जानेंगे. तो अगर आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए. वीडियो में आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बताऊंगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे स्पाउस बुलाने के लिए अलग अलग जो है नियम है यहाँ के. वो मैंने कनाडा की अलग वीडियो बनाई हुई है, न्यूजीलैंड की अलग बनाई हुई है. तो उस पर क्या है कि आज का जो सब्जेक्ट मेरा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में दो तरीके से जो है आप बुला सकते हैं. एक तो आपको या तो वहाँ के जो है आपको PR मिली हुई होनी चाहिए, या जो है आप वहाँ के सिटीजन, आपको वहाँ के सिटीजन होने चाहिए, तो आप जो है मैरिज बेस पे जो है वहाँ पर आप जो है बुला सकते हैं. जैसे कि आप मैरिज हुई है आपकी और अपने पार्टनर को आप बुलाना चाहते हैं, तो आपको उसका मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा. तो यानी आपकी शादी अगर हुई हुई है और वहाँ की PR है आपकी, तो तब आप जो है वहाँ पर बुला सकते हैं वहाँ पर. और दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर भी बुला सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट में वहाँ पर जो है 6 मंथ आपको वहाँ होने चाहिए, 6 to 7 मंथ आपको वहाँ जो है पास होने चाहिए वहाँ के, तब आप जो है स्टूडेंट वीज़ा पर आप जो है अपने पार्टनर को जो है वहाँ पर बुला सकते हैं और उसको जो है वहाँ पर. लेकिन जैसे कनाडा में काम करने की जो है अनुमति है, लेकिन वहाँ पर ऐसे जो है आप अगर स्पाउस को बुलाते हैं तो काम करने की वहाँ पर जो है अनुमति इस तरीके से नहीं है. तो अगर आप वहाँ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के लिए जो है अपने किसी पार्टनर को सेम स्टडी के लिए या दूसरे उसके लिए आप बुलाना चाहते हैं, तो आप जो है बुला सकते हैं उनको. लेकिन 6 महीने आपको, कंडीशन ये है कि 6 महीने आपको वहाँ पर स्टडी करते हुए होना चाहिए और आपका जो है वहाँ पर रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आप जो है वहाँ पर पढ़ रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई. पहली चीज़ क्या बताई मैंने, या तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप हो तो आप मैरिज बेस पर जो है वहाँ पर बुला सकते हैं अपने पार्टनर को वहाँ पर. तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए एम्बेसी में जो देखते हैं, और आपका जो है PCC चाहिए रहता है पुलिस के लिए, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, और उसकी जो फीस होती है वो आपको सबमिट करानी पड़ती है. वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा. और चाहे तो आप खुद भी जो है वेबसाइट पर जाकर के जो चेक कर सकते हैं. आई विल मेक वीडियो ऑन, इफ़ यू वांट आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक आल्सो, के हाउ यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट टू ब्रिंग योर स्पाउस टू ऑस्ट्रेलिया. सो वो वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ईजी वे में जो है क्या कर सकते हैं, उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और उसका फी स्ट्रक्चर भी जो है जान सकते हैं, या मुझसे कॉन्टेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, या जो है आप जो ये देख रहे हैं आप व्हाट्सएप, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे जो है कॉन्टेक्ट करके उसकी पूरी जो है डिटेल आप जान सकते हैं, कि अगर आप जो है वहाँ पर अपने पार्टनर को जो है कैसे जो है बुला सकते हैं, और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट उनके और भी जो है अगर इसमें वीडियो में रह गए हो बताने से, वो आप सब जो है जान सकते हैं. और इसमें यही है कि आपकी जो है, जैसे कि आपने स्टडी वीज़ा पर बुलाया है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 1 ईयर की जो है आपको सबमिट करनी पड़ती है. 1 ईयर की फ़ीस जो है आपको, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पर अपने पार्टनर को आप बुला रहे हैं, तो क्या है कि उनकी जिस इंस्टीट्यूट या उसी इंस्टीट्यूट में या दूसरे और किसी इंस्टीट्यूट में आप बुला रहे हैं, तो उसकी 1 साल की फ़ीस आपको जो है सबमिट करनी पड़ती है, और 1 साल की सबमिट करके फिर जो है वो वीज़ा के जो है आपकी वीज़ा जो है तब लगती है, और तब आप जो अपने पार्टनर को वहाँ बुला पाते हैं. लेकिन वहाँ कनाडा का जैसे सामने है, कनाडा में क्या है, कनाडा में जो है आप उन्हें पार्टनर को बुलाया, तो वो जो है वहाँ पर जितने दिन आप वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो उतने दिन आपका पार्टनर वहाँ पर जॉब भी जो है कर सकता है कहीं दूसरी जगह पर, ओपन वर्क परमिट उसको मिल जाता है. तो
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी जो है इसमें रह गई हो, यू कैन आस्क मी एंड यू कैन आस्क मी व्हाट हाउ व्हाट यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट ऑस्ट्रेलिया और एनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो आई होप यू विल डू लाइक दिस. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब चैनल प्लीज सब्सक्राइब. द बेनिफिट ऑफ सब्सक्राइब The channel is, I told you before also that when I upload daily new videos, that video will reach you automatically and you will get all my informative video which I upload daily. So I hope you will do like this. Inshallah, I will make another video also. अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा. सब्सक्राइब करने का फ़ायदा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो जो है अपलोड करता हूँ डेली, वो आप तक जो है इजी में मिल जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा. और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चले और दूसरे भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके वो जो है दूसरों को आगे को दूसरों को ये चीज़ जो है बता सकें. तो आई होप आप ऐसा करेंगे. इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो और भी आपके सामने रखूंगा. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर टू अनदर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. इंशाल्लाह आई विल मेक अनदर वीडियो आल्सो. टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.